औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका दोस्त अख्तर भट्ट फ्राम चकवाल। आज हम आपको भैंसों के बारे में कुछ मालूमात देंगे। आप ये देख रहे हैं कि भैंसें जो है ना घास खा रही हैं, अपना चारा खा रही हैं। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं कि इन भैंसों की रखवाली करने के लिए ये दो डॉगी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सोया हुआ डॉगी, ये दो डॉगी मौजूद हैं। ये भैंसें जहाँ भी जाती हैं, एक डॉगी इनके आगे होता है, एक डॉगी इनके पीछे होता है, ताकि ये भैंसें अपनी मतलूबा जगह पे चारा चर के घर वापस आ सकें। और यही जो डॉगी हैं दो, ये इन्हें अपने घर पहुंचा देते हैं। ये अभी रेस्ट कर रहा है, आपने देखा ये डॉगी, ये बड़े मज़े से सोया हुआ है। और दूसरा ये है जी, ये अल्सेशन नस्ल है आई थिंक, ये भी कोई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जनाब, ये डॉगी और अपनी भैंसों की रखवाली करने के लिए, एक ये है और एक ये है। और ये इनकी भैंसें हैं जिनकी ड्यूटी, इन दो डॉगियों की ड्यूटी लगी हुई है अपनी इन भैंसों को ले जाना, ले आना, चारा खिला के। ये सुबह घर से निकलती हैं और यही डॉगी ले आते हैं, मालिक इन्हें घर से निकाल देता है और ये अपनी डायरेक्शन, अपनी मतलूबा जगह जाते हैं और इन्हें ले जाने वाले यही दो डॉगी हैं। आप देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस भैंसें हैं और दो इनके बच्चे हैं। ये देखें, 12 जानवरों को ये दो जानवर इनको ले आते हैं, ले जाते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये डॉगी, क्योंकि मैं इन्हें ना आज तीसरा चौथा दिन ना देख रहा हूँ, भाई इनके साथ कोई आदमी होता नहीं है यार। ये एक आगे डॉगी है, एक पीछे डॉगी है, यह क्या माजरा है? मैंने तहकीक की, तफ्तीश की कि ये माजरा क्या है। पता यही चला कि इन डॉगी को ट्रेनिंग दी जाती है, एक दो बार पहले मालिक जहाँ जहाँ जाना होता है इनके साथ जाता है डॉगी के साथ, तो जब ये ट्रेंड हो जाते हैं उसके बाद यही डॉगी। अब देखें, आपको ये मज़े की बात, अभी ये देखें ना, एक साइड पे आए हैं ना और डॉगी भी खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये देख पहले सोया हुआ था, अब खड़ा हो गया। उसने देखा ये कि ये हदूद के बाहर जा रहे हैं, इन्होंने शायद रोड पर जाना है, तो डॉगी पहले बाहर उठ के आगे आ गया है इनके। ये देखें, ये है रोड, मतलब इसे शक था इस रोड पे तो नहीं जा रही हैं ये जा रही भैंसें, तो डॉगी उठ के इनके आगे खड़ा हो गया। यार ये कितनी हैरानी, मैं तो हैरान हो गया, ये कितनी हैरानगी की बात है यार। इतना मतलब जीनियस, ये जीनियस है ना। देखें, ये देखें, अपनी नींद छोड़ के इसे शक हुआ है, भाई मेरी जो भैंसें हैं, जो मेरी ड्यूटी लगी है, ये भाग रही हैं, कहीं दाएं बाएं तो नहीं चली जाएंगी। ये देखें, ये उनके करीब खड़ा हो गया है, तो पता नहीं ये आपस में बातें कर रहा है, क्या कर रहा है। बाकी जी, ये बहुत बड़ी बात है, शायद आप लोगों के भी इलम में होगा, आपको तजर्बा भी होगा, जो ये भैंसे चराते हैं या बकरियां जो चरवाए टाइप होते हैं उन्हें पता होगा। बाकी मेरे इलम में ये पहली बार आया है, बड़ी बात है, ये देखें ना, बड़ी बात है जनाब। ओके जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।